14 जून 2023। कल का वीडियो बनाए, किन्हीं कारणों से नहीं बना, बहुत देखने वाला वीडियो था। ये बच्चे जो हैं, उसके एक लड़का उड़ रहा, वो सामान की दुकान से मांग मांग के ला रहे थे, ज़रा दागी है कुछ है। कल इन बच्चों ने कल काफ़ी आम खिलाया ना तुम लोगों ने, और पैसा नहीं लिया दुकानदार ने, पैसा नहीं लिए है? तो पैसा कहाँ से लाए तुम? झूठ बोल रहे, पैसा कहाँ से लाए तुम? झूठ मत बोलो, नहीं मर जाइए, झूठ मत बोला करो। अच्छा, हाँ हमसे यही कहो ना कि हमका इसे दे रहा है सब, और दागी वाले आम तो मेरे एक 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 पैसा तो रहा नहीं जेब में, लेकिन झूठ बोले की आदत। बहादुर रहा हमका, हाँ तो फिर वो तो ये बताओ ना कि बहादुर रहा, बहावत का है भाई, दे दे बंदर का बेकूब टाइप कर रहा वो। देखिए साहब, यही पाकर का पेड़ है, यही मैं कह रहा हूँ, विलम्ब मत करो कि मैं करूँगा, मैं जाऊँ, पता नहीं पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का, यही पाकर का पेड़ है। अपने आप पेड़ पुराना होता जाता है, नया इसमें बनता जाता है। आप अधिकारी हैं, आप मंत्री हैं, आप पैसे वाले हैं या गरीब अमीर हैं, आप इस पेड़ को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लगवा दो। आप सब, एक ग्राम प्रधान शादी ग्राम ने कहा कि बाबा जी, अगर आपकी बात चुनाव में मैं जीता तो मैं बहुत से इसके पेड़ लगाऊंगा। वो आदमी मर्द आदमी है, बेतौरा ग्राम के ग्राम प्रधान सालिक राम यादव मर्द आदमी है, उसने जो कहा वो करके दिखा दिया। अभी जो काली जी कही जाती है बेतौरा में, वहाँ उन्हीं सालिक राम जी का लगवाया हुआ पेड़ है सर। तो यही हमारा आग्रह है कि आप लोग इस काम को करें, आपके कई जन्म बन जाएंगे। कोई संकट हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, आप पेड़ लगवा दो, आप बंदर भोज करा दो, आप 6 महीने 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट सामने आने लगेगा। अगर आपका गलत पैसा नहीं है, वो किसी का आपने हाय हत्या करके पैसा दिया है, तो फिर वो काम, वो बात नहीं होगी। फिर आपको जहाँ 1 लीटर पानी मिलना है, 1 गिलास पानी मिलना है, तो आपको 10 बूंद पानी मिलेगा, अगर गलत पैसे आपने धर्म कर्म किया तो। उसे कुछ मिलना नहीं है, तो अपने मेहनत के पैसे से, अपने ईमानदारी के पैसे से, या अपनी बुद्धि के द्वारा। आप केवल खाली बुद्धि लगा दो, खाली प्रचार कर दो, वायरल कर दो इसी के ऊपर कि भैया एक बाबा की बात सुनो और आप अपना कल्याण करो, एक बाबा की बात सुनो अपना कल्याण करो बस। क्योंकि बाबा शब्द जोड़ेंगे तब लोगों के दिमाग में होगा वाकई कोई बाबा है, कुछ करता है ना। बाकी समाज तो मेरा अंधा है, अंधा समाज ना होता, अंधा समाज मेरा ना होता तो ये हम लोग ये दुर्गति को ना प्राप्त हो, हम लोग गुलाम ना होते। महज अंधे के पन से 1,00,000,000 रुपये हम बेकार के हो गया, सरबूर लग गया और चना भी लग गया, नहीं आए बिल्कुल। हाँ हाँ, वहाँ रख दो, वहाँ पर जगह जगह रख देना थोड़ी सी। तो तुम लोग बकरी तो नहीं पाले हो? बकरी पाले हो का? तो जो लोग यहाँ दफ्तर में झाड़ू लगावत है, उन्हीं के घर के हो ना तुम लोग? अच्छा, तो तुम लोगों के तो हमारा क्वार्टर मिला हुई, हम लोग का पता था सामने। अच्छा, इनका देखो बाबा छोटू का कितने हाँ। बड़े बड़े बाल रखे हैं गर्मी में, भगवान लग रहे हैं। हाँ, देखिए बाल बनवा दो गर्मी में भाई, ऐसे मूलन हुई का? अच्छा, ऐसे मूलन में घर में बता कि हमका बोलेंगे हैं। अच्छा, हाँ कृष्ण भगवान लग रहे हैं तो ऐसा तो इनका हम पैसा दे दिया क्या है ना। ए तरबूज खाई अगर, देखो ऐसा खिला के देखो, तरबूज खाइए, निकाल के दो भाई, थोड़ा कड़े वाले निकाले, जो कड़ा कड़ा सा हुए ज्यादा ढल, ये वाला दे, ये वाला दे। आओ आओ, ये तुमका खाना, तुम हो खा लो। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है?
और इसका क्या नाम? हमारा नाम राहुल है। तो यही सब मैं बता रहा हूँ, ये सब ये हराम खोर पेड़ खड़े हैं तो बेमतलब के, इनका कोई मतलब नहीं। वो छाल और पाल, अरे जंगल से मंगाओ छाल, यहाँ कम से कम यही जामुन का पेड़ लगा हो, बरगद हो, पीपल हो, खाने को मिल जाए। हम तो कहेंगे कि ये PWD प्रशासन इनको भैया भेदभाव के हटाओ, कोई धार्मिक पेड़ लगाओ आप सरकारी ज़मीन में। अगर साहब के कहने से पेड़ लग जाता है तो साहब को कई जन्मों तक उसका पुण्य मिलता रहेगा। हमारी बातों को आप लोग ध्यान दे के सुने, और बड़े बड़े जो विद्वान हैं संत महंत हैं मुझसे पूछ लीजिए कि अगर आपके कहने से अगर पेड़ लग गया तो आधा पुण्य आपको मिलेगा, जबकि आप सरकारी ज़मीन ना आप नहीं रहेंगे लेकिन वो पेड़ खड़ा रहेगा। इनको हटवाइए, ये सब जत्ते ही हरामखोरी वाले पेड़, एक लेपता सा और ये अशोक, या कौन सीता जी बैठने वाली, वो सीता अशोक अलग होता है, ये अशोक महाबेकार है, बकबक है ये। वो कहेंगे दवा बनती है, दवा बनती है, जाओ जंगल में जाओ दवा बनाओ जाके वहाँ पर। तो अभी तुम्हारे थोड़ा बंदर तो नहीं वहाँ पर दिखाई पड़ा? अरे हुआ अंदर कहाँ हुआ, एक यादव जी मरत तो हैं उनके मौत आवत, वही खुराफात करे नहीं, हम लोग किनारे खिलाई तो रहे वहाँ पर। अरे 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 बाप रे बाप, ये क्या किया, देखा देखा मार मार, एक ढाबर साल की दौड़ा दौड़ा मार दौड़ा के मार जाएगा। अरे जायका मार खा देगा ना हराम जा देगा, मरी गा रहे अपने साल मरी गा रहे और गाड़ी चली गई गई। अब सारे इतना करीब ना है बच्चा, कमीने कहीं के वहीं अब गई आज चटा जाता तुम। हाँ बाबा चटाते अब यहाँ करीब आई, हम पटक दे देखा दे सबका कमी में बताओ। ये तो कहो आगे गिट्टी उट्टी पड़ी रही तो। हाँ आ गए बोहनी हुई गई, चलो अच्छा हुआ भैया आज हमको डलमऊ भी जाना है, पूंछ उठा के आ गए, खाओ थोड़ी रोटी भी रख दे या रोटी ले जाओ। अब यही होता है चक्रवर्ती जी आपके वजह से, वो क्या नाम चंद्रचूड़ चक्रवर्ती जी आपके वजह से हमने डलमऊ का प्रोग्राम बनाया। कल जो तरबूजा लिया हमने समझा हम और अलग से हमको लेना पड़ा जा करके, क्योंकि वो माल जो दिया था दान में वहाँ बिल्कुल गल गया था, ये गला तरबूज जो है बड़े मुश्किल में बंदर खाए गए इसको, अब तो कभी लेना ही नहीं ऐसा है। नाम भी उसने किया और बेतन बेतन नाम बेतन रहे और जितेन रहे दोनों लोगों ने मिल करके धोखा दिया। नाम भी हुआ पूरे वर्ल्ड में बड़े भारी दानवीर हैं, दान करना है तो अनुराग और वैभव सोनकर से सीखो और राजेश जी से सीखो जा करके, लौंडे दान नहीं कर पाएंगे सब, बल्कि ढरा कला दे दिया हाँ ठीक सा बंदर खाएगा, अभी और सब आएंगे भूखे आएंगे खाएंगे, तो वो चना उठा के खा रहा है आ गया अच्छा हुआ, वही बागी वाला है ये। तो चलो वहाँ भी चलोगे, वहाँ के वही हाथी के अंदर रख दो है ना, उसी हाथी के अंदर चल के रख दो, कहीं छह से हम गाड़ी खड़ी कर लें। यही पाकर का पेड़ है पहचान लो, उधर पीपल बरगद का है, ये पाकर का है, जिसने लगाया होगा आज ये दुनिया में नहीं होगा लेकिन कितना पुण्य मिलेगा। बैठे हैं लाइन लगा के मंदिर में, देखो झांक रहे हैं सब, अरे मंदिर 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 मंदिर, भगवान ने यही नहीं कहा कि भगवान ने काम के लिए कहा है। अभी इतना की धूप में निकले हैं क्यों, 9:15 आए हैं, ये तैयारी करते करते 10 इस समय 10:30 बज रहे हैं दिन के, इस समय 10:30 बजने के मतलब कि भयानक मौसम। कल का हमने वीडियो बनाया था, लौंडों का कोई भरोसा थोड़ा फाट
बताओ आज परसे पर मैंने कहा गाड़ी एकदम से भागी। अच्छा एक्सीलेटर पर हाथों रखे रहा ना? हाँ एक्सीलेटर पर हाथ रखे बटन दाब दे तब अगर आगे गिट्टी उट्टी न लगी हुए अब तो कोई लड़कन के किनारे आवाज न दिए एक है? हाँ 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 बाउंड्री में झलक और ये हो जाती है मरे। शाम को हम लोग यहीं आते शाम के समय इनके हाथी के अंदर जाके जा देगा यहीं पर बाजार लगता है। जब अंदर जाके तरबूज आधा से ज्यादा रख दो किनारे किनारे थोड़ा चना भी रख दो रोटी न रखो रोटी जलमग चले जाएगा आज ही चक्रवर्ती की वजह से। उन्होंने कहा हम देखा चलो भैया उनकी इच्छा है पिताजी के नाम से वो कुछ करना चाह रहे हैं चलो भैया बढ़िया बढ़िया कर देंगे। शमशानी भोज अपना माने रखता है। शाम को यहाँ 3:30 रवाना होंगे। नहीं शाम के समय आओ सभी एक लाइन से यहाँ मिल जाते हैं सब अंदर हाथे में होंगे जहाँ लोग पहले खिलाते थे सब वहीं अंदर कोने में होंगे। जिसको बुरा देखना होता है वो बुरा करता है उसको आप ना समझाओ उसको मना भी करो अच्छा काम के लिए सलाह दो तो आपको गाली देगा नाराज होगा जैसा हमारी श्रीमती जी को मना करते थे कि शुगर के मरीज हो या अन्नपन्न छोड़ो तो जहर बोले जब देखो हमारे खाहे के पीछे मरा जात तो दे भैया तो मर गई मैं जिंदा बैठा हूँ। किसी को अच्छी बात आज कहो कोई सुनने को तैयार नहीं 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 ना भयंकर धूप में बैठे हैं इस समय देखो इसलिए कि शाम को 3 रवाना होंगे लौटते लौटते अंधे शाम होने लगता है उठी दूर जाओ थके मांदे आओ तो फिर यही होता है कि सीधे घर चलो। बंदर आता है इसे यही बीज भंडार है कहने के लिए बीज भंडार है वो काम थोड़े होता है पहले की तरह। इंदिरा जी के जमाने की बातें अलग रही बल्कि एक साहब ने कहा भी कि वो एक आत्मा रहती है वहाँ पर हमने कहा वही आत्मा इनको खा जाएगी। भैया जब बंदर की सेवा की वजह से कोई भी आत्मा है वो दबी रहेगी हनुमान जी के कारण और जो हनुमान जी का वहाँ अगर डेरा हटा तो फिर वो आत्मा जो है ना वो आत्मा न बनू कितनी आत्मा को ले जाएगी मर जाएंगे लेकिन लोग सुधरेंगे नहीं ना। हमने कितने लोगों को देखा अरे खुद गलती करो अपने बच्चों को सिखा जाओ कि बेटा कभी बेईमानी मत करना किसी का निवाला मत छीनना। अब बंदरों का निवाला हमारा नुकसान करने का मतलब आपने बंदरों का निवाला छीन लिया अब हनुमान जी कितना भयानक आपको सजा देंगे आपको अंदाजा नहीं होगा। आपने बंदर के लिए मना किया आपको कितना भयानक सजा मिलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। त्यौहार होता तो वहाँ हम लोग कुछ वहाँ भी कर देते भर्ती वाला देखो इतना भारी भरकम डाला बना दे ये बड़ा डाला पदे काहे बना दे सामान ज्यादा आ गए एक आकर हाँ चलो अब सीधे चल के तुरंत पहला काम चना ड्रम से बाहर करो सब में पानी लगा और कहीं मिट्टी में न डालो। देख रहे हैं कैसा धूप में बैठे हैं बढ़िया है। चांदनी निकली है 14 जून कल 15 जून होगा आधे जून अषाढ़ आधे जेठ अषाढ़ कहावे 15 जून से लोग बताते हैं मानसून आने लगता है लेकिन जो पहले पानी गिर गया है तो मानसून अब कहाँ आएगा हो सकता है पूरे जून भर ना आवे एक बार तो पूरे जुलाई तक पानी नहीं बरसा
हाहाकार मच गया था। पूरा जुलाई हमने देखा, सारे पेड़ कट रहे हैं। फिर एक हाईवे निकल रहा है इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद। अभी तक मतलब टूवे रहा, एक ही जा, एक एक तरफ से जाओ, एक तरफ से आओ। अब उसको टू लेन, हाँ, अब फोर लेन बनने जा, बनाओ फोर लेन। वन विभाग, अरे वो इंदिरा गार्डन के कितना सुंदर रमणीक स्थान रहा, सबके सब उजाड़ दिए गए। सब पेड़ काटो, विकास करो, और ऐसा विनाश होगा ना कि छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, अपने आप को पावरफुल कब मानो।